तो किसान भाइयों, मैं रामबीरपुरा गांव गिराए जिला हिसार हरियाणा से। मेरा मोबाइल नंबर 1990000067। मैं आपको, हम जो कंपोस्ट खाद जो बनाएंगे वो कैसे बनाएं, कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ आपको आज बताएंगे। जैसे ये हमने गोबर की 40 ट्राली इकट्ठी कर ली। ये आपको अभी मेरे दाएं बाएं दिखाई दे रहे हैं, और अभी ये दाएं हैं, तो ये पूरा ट्राली यहाँ तक इकट्ठा कर लिया इसको सबको। तो अभी हम इसमें वेस्ट डिकम्पोजर तैयार कल्चर गोड़ डालेंगे। जितना भी ये पिएगा तब तक डालते रहेंगे जब तक इसके नीचे बह के बाहर नहीं निकलेगा। चाहे इसमें 5 हज़ार लीटर आए, सब में 10 हज़ार आए, 20 हज़ार आए, 25 हज़ार आए, जितना भी आए सब इसमें अच्छी प्रकार से डालेंगे। और किसान भाइयों, फिर हम इसमें रॉक फास्फेट डालेंगे, और फिर इसमें गन्ने के मील की मैली वो डालेंगे, और फिर हम इसमें सरसों की खड़ी भी डालेंगे, और हम इसे और रिच बनाने के लिए हम इसमें पंचगव्य घोल, जो गाय के गोबर मूत्र से और दही दूध से घी से उससे जो बनता है वो डालेंगे। उसको तैयार करके वेस्ट डिकम्पोजर में ही मिला के, सब चीज़ वेस्ट डिकम्पोजर में ही करें तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। और इसको फिर हम इसको जब धूप तेज़ होगी तो वो सामने जो आपको पराल दिखाई दे रही वो इसको ऊपर ढकने के लिए ही रखी है। फिर इसको ऊपर को पूरे को सब को ढक देंगे। इसको हम बिल्कुल चाय पत्ती जैसा, बिल्कुल बढ़िया ज़बरदस्त, बिल्कुल काला दानेदार ऐसा कंपोस्ट खाद बनाएंगे, और इसे करीब हम 40 से 50 दिन के अंदर बना लेंगे। और ये हमने 40 एकड़ के लिए 40 ट्रालियाँ डाली हैं। प्रति एकड़ एक ट्राली की डोज रखेंगे, लेकिन उसकी उसको क्वालिटी कुछ हाई बनाने की कोशिश करेंगे, जितना अच्छे से अच्छा बना पाएँ। और अब की बार हम जो 40 एकड़ में धान लगाएंगे, टोटली जैविक का टारगेट हमने लक्ष्य रखा है, और उसको प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्ते किसान भाइयों, ओके।